देख रहे हैं ये ब्लैंक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर व्लॉग नींबू तेज। आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। मेरे ओला स्कूटर में एक माइनर सा बग आ रहा था। वो बग क्या आ रहा था, चलिए देखते हैं। पहले आप देख सकते हैं ये इसकी HMI स्क्रीन है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे मेरा बैटरी स्टेटस और कितनी परसेंटेज है बैटरी की, और नीचे 18 डिग्री इसका बैटरी का टेम्परेचर दिखा रहा है। इस एरिया में आप जो देख रहे हैं ब्लैंक है, लेकिन इस एरिया में क्या होता है कि नॉर्मल स्पीड में हमने जितने किलोमीटर्स अपनी स्कूटी ओला चलाई है, और अदर मोड्स में जैसे नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड में हमने जितने किलोमीटर चलाई है वो यहाँ पे डेटा शो होता है, बट ये शो नहीं हो रहा है। मैंने इसको रीसेट भी किया था लेकिन तब भी शो नहीं हुआ। तो इसके लिए मैंने कस्टमर केयर पे कल कॉल किया था और उनको अपना इश्यू बताया था, और उन्होंने बोला था कि हम एक पर्सन, टेक्निकल पर्सन असाइन कर देते हैं आपके इश्यू के लिए, वो आएंगे और उसको रिजॉल्व कर देंगे। और आज उनकी कॉल आई थी कि वो आ रहे हैं, और अभी मैं उनकी वेट कर रहा हूँ कि वो आ जाएं और देखते हैं ये इश्यू क्या है और ये कैसे रिजॉल्व होगा। तो गाइज, फाइनली ओला से जो टेक्नीशियन आए थे वो हमारे साथ अवेलेबल हैं। अभी अपने ऐप के थ्रू इन्होंने कुछ सेटिंग करी है और यहाँ पे QR कोड आ गया है जो आप देख सकते हैं, और इस QR कोड को स्कैन करके आगे कुछ अपना प्रोसेस करेंगे और उसके बाद ये ऐप अपडेट होगी, तो शायद तब ये इशू सॉल्व हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं भैया अपने फ़ोन में हमारे स्कूटर की डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, तो सारी डिटेल्स इनके फ़ोन के ऐप में आ गई है, और इससे ही ये ट्रैक करके हमारे स्कूटर को जो भी इसमें माइनर बग्स हैं, सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। इंटरनल स्क्रीन मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता इसकी, क्योंकि वो भैया ने बताया कि एक मेरे लिए सिक्योरिटी का इश्यू हो सकता है क्योंकि उसमें IP एड्रेसेस वगैरह काफ़ी हैं। तो लेकिन मैं आपको अगर मैं बताऊं जो मैं देख पा रहा हूं फिलहाल स्क्रीन में, तो पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा सिस्टम है इसके अंदर बैकएंड का, और बैकएंड में काफ़ी कुछ काम हो सकता है इसमें। अभी हमारी स्कूटी अपडेट हो गई है और ये रीसेट हो रही है। जो इश्यू था ओला स्कूटर का, मैंने आपको माइनर बग बताया था, वो अब सॉल्व हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए स्क्रीन, अगर मैं इसको यहाँ नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड, ये नहीं आ रहा था पहले, आपने देखा होगा, बट अब ये आ रहा है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि नॉर्मल मोड में मेरी 48 किलोमीटर अभी रन कर सकती है, और स्पोर्ट्स मोड में 43 किलोमीटर की रेंज है और 43 किलोमीटर ये रन कर सकती है। तो एक माइनर सा बग था जो कि सॉल्व हो गया है। तो गाइस, जो इश्यू था वो सॉल्व हो गया है, और अभी मेरे को जो टेक्नीशियन आए थे उन्होंने कहा था कि इसको एटलीस्ट आप 12 घंटे चार्ज पे लगा के रखना। चार्ज पे लगाने का रीजन ये है कि जब इन्होंने इसको डायग्नोज करा और इसके सिस्टम को अपग्रेड करा था, तो क्या होता है कि जो बैटरी के सेल्स होते हैं इसमें अराउंड 22-27 सेल्स हैं बैटरी के, तो उसकी जो वैल्यू होती है चार्जिंग की, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक सेल अगर 2 वोल्ट पे चार्ज है और दूसरा सेल 3 वोल्ट पे वो चार्ज है, तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है इसको अपग्रेड करने की वजह से। तो अगर मैं इसको 10 से 12 घंटे रेगुलर चार्जिंग पे लगा के रखूंगा, जो भी बैटरी की वोल्टेज डिसबैलेंस थी वो बैलेंस हो जाएगी। इस इश्यू में होता क्या है, आपने कई कस्टमर्स को देखा होगा कि उनकी बैटरी जो है वो दिखा रही है 87% चार्ज है, लेकिन जैसे ही वो चार्ज करके ड्राइव करते हैं अपनी स्कूटी को तो वो एकदम 57 या 47 पे आ जाती है। तो वो डिसबैलेंस ऑफ बैटरी सेल्स की वजह से है। मैं बैटरी परसेंटेज अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 43% बैटरी है अभी इस पे। अपग्रेड होने से पहले इसकी अराउंड 71% थी, तो एकदम कैसे अपग्रेड होने के बाद ये डाउन हो गई है। तो अब मेरा चार्जर निकल गया है और मैं इसको लगाने वाला हूँ फिलहाल 12 घंटे के लिए चार्जिंग पे। एक बहुत अच्छी और इंटरनल इन्फॉर्मेशन मेरे को उन्होंने दी है कि इसमें 3 यूनिट्स हैं, अलग अलग काम करती हैं। एक यहाँ पर है VCU यानी व्हीकल कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे है एक इंटरनल, एक यूनिट इसकी BMS जो कि हम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, और इसके जो टायर्स हैं यहाँ पर भी एक यूनिट है MCU जिसको हम कहते हैं मोटर कंट्रोल यूनिट। इसमें जो हमारा VCU है ये इसका हम कह सकते हैं स्कूटर का दिमाग है, यही पूरे स्कूटर को कंट्रोल करता है, और जो इसकी कंट्रोलिंग है ये कैन के थ्रू होती है। कैन यानी कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, जो कि इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिकली जो भी कनेक्टेड है इसको कंट्रोल करता है। और अब स्कूटी मेरी हो गई है बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन,
कोई इश्यू नहीं है। सबसे अच्छी चीज मुझे ओला की पता क्या लगी कि मैंने इनको कल कॉल किया था और मैंने अपना इश्यू बताया था कि बहुत मेजर इश्यू तो नहीं था क्योंकि मुझे इसको चलाने में ड्राइव करने में किसी तरीके में कोई दिक्कत नहीं थी, बट एक ऑप्शन शो नहीं हो रहा था और इन्होंने अपना एक टेक्नीशियन असाइन करा और वो भेजा यहाँ पे मेरे घर पे और बहुत ही जल्दी उसका रिजोल्यूशन करा दिया और एकदम एक ही दिन में मेरा काम हो गया बढ़िया। तो ओवरऑल सर्विस भी, अगर मेरा पहला एक्सपीरियंस आए तो ओवरऑल सर्विस भी देखी जाए तो सर्विस इनकी मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। इन फ्यूचर भी हो सकता है अगर ये ऐसी ही सर्विस कंटिन्यू करते हैं तो थम्स अप है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो अपना प्रॉब्लम और सोल्यूशन बताने के लिए ओला स्कूटर का। आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नींबू तेज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग नींबू तेज, बाय।